अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएफ किचन व्लॉग्स। यस, आज बन रहा है बहुत ही मज़ेदार मसाला कबाब हांडी, जो कि आप इजीली घर में बना सकते हैं गोला कबाब या सिक कबाब के साथ। बहुत अच्छे से ये हांडी बनती है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ईद स्पेशल है। सो चलते अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg मटन कीमा, आप चिकन और बीफ भी ले सकते हैं। और इसमें हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप करके डाली है, कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई मिर्च, हम तीनों चीज़ों को रोस्ट करके हमने ऐड किया है। 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्च डालेंगे जो कि रॉ है, उसको हमने रोस्ट नहीं किया। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालें, मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। और हरा धनिया 1 टेबल स्पून जितना डालेंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम नहीं ऐड करेंगे। और 1 लेमन लिया है, मतलब 1 टेबल स्पून लेमन का जूस आप ले लें। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 अंडा इसमें ऐड करेंगे। अंडा डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर अंडा यूज़ नहीं करना चाहते तो 1 टेबल स्पून आप मैदा या फिर बेसन ले सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करके कबाब की शेप में बना लेंगे। ठीक है, ईद आ रही है तो आप मटन, बीफ और चिकन जिसमें भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने इसको मटन में बनाया है। और इस तरीके से आप गोला कबाब या फिर सिक कबाब की शेप दे सकते हैं। मैंने गोला कबाब की शेप दिए तो हम गोला कबाब से ही बहुत अच्छी सी हांडी बनाएंगे। ये देखें, हमारे सारे कबाब बनके तैयार हो गए हैं। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम ऑयल गरम कर लेंगे, और ज़्यादा ऑयल गरम नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको डालेंगे 1/1। कबाब बनाते टाइम हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट या अदरक लहसुन हमने कहीं भी यूज़ नहीं किया अभी तक, क्योंकि इसके अंदर हम बाद में कोयले का धुआं देंगे। हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं तो इसमें हमने अभी अदरक लहसुन नहीं डाला है। अदरक लहसुन हम बाद में ग्रेवी में डालेंगे। सो इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जैसा आपको कलर चाहिए। मैंने गोल्डन ब्राउन कलर किया है, जैसे गोला कबाब का कलर होता है सेम वैसे ही मैंने इसको कलर दिया है। सारे कबाब हम इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। हमें अंडर कुक रखना है, ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि ये बाद में ग्रेवी के साथ पकेगा। और इसको हम कोयले का धुआं देंगे और इसके ऊपर हम कोयले पे ऑयल डालेंगे और इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब एक देगचे में जो हमारा बचा हुआ ऑयल था जिसके अंदर हमने अपने कबाब फ्राई किए थे, वही हम ऑयल यूज़ करेंगे 1/2 कप। और इसमें हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप करके लिए वो ऐड करेंगे। और इसको सिर्फ हमें सौते करना है, कलर चेंज बिल्कुल नहीं हो, बस सॉफ्ट करना है। ये देखें, जब ये सॉफ्ट हो गई, अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून। और इसको अच्छे से 1 मिनट तक स्टर फ्राई करते रहेंगे ताकि बहुत अच्छे से खुशबू आए अदरक लहसुन की। यहाँ अदरक लहसुन हमारा भुन गया है, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। 2 दरमियाने साइज के टमाटर हमने पेस्ट कर लिया था, वो ऐड किया है इसमें। और यहाँ पे स्पाइसेस हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी। ज़ीरा जो मैंने ऐड किया था वो कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा था, 1 टीस्पून। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक थिक सी हमें ग्रेवी तैयार करनी है, इसको हम भूनेंगे बहुत अच्छे से। इसका पानी है अभी इसमें थोड़ा, इसमें इस स्टेज पे 1/2 कप दही भी ऐड कर देंगे ताकि वो भी साथ में जो दही का पानी है वो भी ड्राई हो जाए इसमें जाके। तो इसको हमें बहुत अच्छे से अभी सिर्फ भूनना है, कंटिन्यूसली इसको चलाते रहेंगे ताकि ये फट ना जाए दही। और इसको भून जाएगा जब, तो हम इसमें कबाब ऐड कर देंगे अपने। कबाब को हमने 10 मिनट रखा था स्मोक करने के लिए और वो बहुत अच्छे से स्मोक्ड हो गए हैं। तो अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे अपनी हांडी में। ये देखें, ये गोला कबाब का ही बिल्कुल सेम कलर गोला कबाब का है, बहुत अच्छे बनते हैं घर के मसालों से। इजीली आप बहुत अच्छी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। सो आई नॉट क्यों नहीं यूनिक सी आप न्यू कोई डिश बना के तैयार करें। और यहाँ पर मैंने 2 कप जितना पानी इसमें ऐड किया है, क्योंकि हमें अपने जो कबाब हैं वो अभी अंडर कुक हैं तो उसको हमें कुक करना है 100%। और इसके अंदर हमने ग्रीन चिली ऐड कर दी 4 से 5, और 1 चम्मच हमने सूखी मेथी का इस्तेमाल किया है।
1 टेबलस्पून आप सूखी मेथी इसमें ज़रूर डालें, इससे बहुत डबल इसमें खुशबू हो जाती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको हमें 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि कबाब जो है हमारे पूरे 100% कुक हो जाएं। यहाँ देखें माशाल्लाह हमारे कबाब तैयार हैं, हमारी हांडी जो है वो बिल्कुल तैयार है। ग्रेवी हमें इतनी ही रखनी है, आपको ज़्यादा रखनी है तो आप हाफ कप पानी, और जब हमने पानी ऐड किया था उस टाइम पे ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें इतनी ही ग्रेवी रखनी है। और इस पे हम डाल देंगे हरा धनिया। अब इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार हुए, बहुत मज़े के, बहुत अच्छे बने थे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, जो न्यू है प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे कैसा लगा आपको वीडियो, कैसी लगी आपको रेसिपी। और इसको नान चपाती के साथ आप सर्व करें। जो इंडियंस हैं वो ज़्यादातर राइस के शौकीन होते हैं, तो वाई नॉट राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।